लुधियाना तो एक बेहद ही मंदभागी खबर सामने आई है जिथे जबर जनाह पीड़ित दे नाल कुटमार की गई है। दरअसल बीते कई दिनों तो पुलिस कमिश्नर दफ्तर दे मूहरे धरने दे उत्ते बैठी लड़की अते उसके परिवारक मैंबरां दे नाल अणपछाते व्यक्तियों दे वल्लों कुटमार की गई है। तां रोणियां दे नाल उन्हां दे उत्ते हमला किया गया जिस तों बाद भगदड़ मच गई। दस दईए कि औरत नूं काबू करके 15 तों 20 दी गिनती दे विच आए हमलावरां ने उसकी मारकुट की। दसनयोग है कि यह लड़की जबर जनाह दी पीड़ित है अते पुलिस कमिश्नर दफ्तर दे मूहरे धरने दे उत्ते इंसाफ लई बैठी हुई सी। अज दी आवाज़ दे लई लुधियाना तों लखविंदर सिंह दी रिपोर्ट। मैं गसपुरा से आ रहे हैं, सीपी वाले लगे में धरना लगा रहे हैं। 6 महीना हो गया, चलो 13 साल का लड़की के मेरे गैंग रुक हुआ है। मैं दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू सगरों में दरवाजा खटखटा लिया। मैं अपना लड़की के लिए कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। हार पाँच के मैं सीपी दफ्तर में धरना लगा रहे हैं कि सीपी साहब यहू से मैं लड़की के इंसाफ दिला दें, जाग जाए सुन ले। जगह आज आस पर कौन पुलिस वाला का लड़की कौन अफसर का लड़की रहते तो कहा इंसाफ नहीं मिलते हैं। अब ले 10 दिन का है तो 6 महीना हो गया, अब ले 10 दिन में मुजरिम के पकड़ के अंदर के कह लेते। बस यही विनती है मेरे दोनों बहन वाला में 2-3 दिन हो गए आज तक ये परिवार में इंसाफ नहीं मिला, क्या कहना चाहूँगा भाई? देख लो ये परिवार है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसमें कोई ऐसा दरवाजा जी जो ना खड़काया हो, ठीक है जी। एक छोटे अधिकारी से लेके सीएम भगवंत मान जी के तक उन्होंने दरवाजे हमने खड़का दिए, पर इस बच्चे को आज तक इंसाफ नहीं मिला। एक 13 साल की लड़की जो मंदभागी एक घटना घटी है, 13 साल की लड़की ने 6.5 महीने की बच्ची मरी भी पैदा की है, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तब भी प्रशासन के कानों पे कोई जूंग तक नहीं रेंगी है, ठीक है जी, कुछ नहीं है। और वो जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं जी, पार्टियाँ कर रहे हैं। कितना देर हो गया ये घटना? ये 6-7 महीने हो गए जी, 6-7 महीने हो गए आज। तो कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो इन बच्चों ने ना खटकाया हो, और वो बंदे शरेआम घूम रहे हैं और अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। ये सब गैसपुरे में रहते हैं जी, आप पार्टी का पूरा हाथ है इनके ऊपर, आप पार्टी के हाथ करके ही अभी तक बचे हुए हैं, ठीक है जी। और वो मैडम हमारे शीना जो हमारे MLA साहब हैं, शीना मैडम जी कहती हैं कि मेरे पार्टी का एक आगू है इसमें से, कुलदीप धीगान, जिसके बारे में मैडम ने एक चंडीगढ़ रिपोर्टर को भी कहा कि मेरी पार्टी का आगू है, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है जी। तो जब उन्होंने मैडम को पूछा कि वो बंदा चंडीगढ़ से लड़की उठाने किडनैप करने आया था और उसकी वीडियो बनी है, तो मैडम कह रही है कि उसके बारे में ये कौन है? कितने आए तुम? कौन है?